श्री राधा रानी का जन्म आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले मथुरा के गोकुल महावन के निकट बरसाने से करीब 50 किलोमीटर दूर रावल में ब्रज के राजा वृषभानु और कीर्ति देवी के यहाँ हुआ था। श्री राधा रानी की माता कीर्ति देवी जी को पुत्री रत्न की कामना थी। वह हर रोज यमुना में स्नान करते हुए यही प्रार्थना करती थी। तभी यमुना में एक सुंदर और दिव्य कमल पुष्प प्रकट हुआ। कमल के फूल से बड़ा अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। देवी कीर्ति और राजा वृषभानु ने देखा कि उस कमल के पुष्प में एक नन्ही सी सुंदर और दिव्य कन्या मुस्कुरा रही है, जिसके नेत्र बंद थे। उस कन्या को देखकर दोनों प्रसन्न हुए और उन्हें अपने घर ले आए। यही बालिका श्री राधा रानी थी। श्री राधा रानी जब प्रकट हुई थी, तब उन्होंने अपने नेत्रों को नहीं खोला था। एक बार की बात है, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए राजा वृषभानु जी अपनी पुत्री श्री राधा रानी जी को अपनी गोद में लेकर गोकुल आए। राधा रानी जी घुटने के बल चलते हुए कृष्ण के पास पहुंची। श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही राधा जी के नेत्र खुल गए और उन्होंने अपने जन्म के बाद अपने नेत्रों से प्रथम दर्शन अपने श्री कृष्ण के ही किए।